अक्सर लोग मूली के पराठे बनाने से कतराते हैं, खासकर बैचलर जिसे नहीं आती है और सर्दियों में इतना मूली अवेलेबल होती है मार्केट में कि खाने का भी मन करता है। तो आज जो हम रेसिपी डाल रहे हैं, आज से अगर इस तरह आप बनाएंगे तो आपको तो ना तो आपको पराठे बनाने में टेंशन होगी और आराम से बना भी लेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेगा और आपको लगेगा कि हम नहीं बना पाते हैं। कोई ऐसा नहीं, सारे सीक्रेट के साथ हम आज बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी जो हम शेयर करने जा रहे हैं, मूली की पूड़ियाँ बना रहे हैं, क्योंकि बेलना झंझट होता है, बेल नहीं पाते हैं, बेलते हैं तो बैचलर से क्या होती है, फट जाती है। लेकिन आज हम ऐसा सॉल्यूशन लाए हैं कि ना तो फटेगी और ना आपसे कुछ होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ वन मूली ले लिया है और हमने इसको छील लिया है और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। सबसे पहले ध्यान रहे, जब आप ग्रेट करें तब आप इसे नहीं धोएं, सारी पौष्टिकता खत्म हो जाएगी। चलिए इसे वॉश कर लेते हैं। हमने इसको वॉश कर लिया है। अच्छा, हम यहाँ एक मूली ली है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ एक ही मूली लेना है, आपको यहाँ जितना आप फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं उतना ही आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए हम इसको ग्रेट कर लेंगे। हमने वन मूली को जितना हमने लिया था सबको ग्रेट कर लिए हैं। अच्छा, जब हम मूली पराठे बनाते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम इसको पानी को निचोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि हमको स्टफ फिलिंग करते समय दिक्कत नहीं आए। लेकिन आज आपको ना पानी, इसके अगर पानी फेंकते हैं वाटर, तो इसकी वाटर इतना ज़रूरी है हमारे शरीर में। मूली हम इसलिए तो खाते हैं कि हमें पानी भी जाती है इसके शरीर में, तो इसलिए आज आपको नहीं फेंकना पड़ेगा। और कैसे क्यों नहीं फेंकना पड़ेगा वो आपको वीडियो के दौरान पता चल जाएगा। आइए, इसके मूली के अलावा और जो हम सामग्री लिए हैं कुछ इस प्रकार है। हम यहाँ पर लिए हैं चावल का आटा, कितना लिए हैं, 1.5 कप यानी 1.5 कप चावल का आटा लिए हैं। वहीं 3 बड़े स्पून बेसन लिए हैं चने का और 3 चम्मच सूजी लिए हैं। सूजी हम इसलिए ले रहे हैं कि जब पूड़ियाँ तलेंगे तो थोड़ी दानेदार होगी, और बेसन हम इसलिए लिए हैं कि करारी होगी। अगर हम वह चावल की जगह आटे का प्रयोग करते हैं तो वह पूड़ियाँ क्या होगी, फूल तो जाएगी लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए सर्व करेंगे मेहमानों को थोड़ी देर के बाद, तो वो फूली फूली पूड़ियाँ जो है बिल्कुल वो नरम मुलायम हो जाएगी और वो पिचक जाएगी। तो इसके करारी होने के लिए हमने यहाँ चावल का आटा इस्तेमाल कर लिया। मसाले की बात करें तो हमने यहाँ लिया है 1/4 टीस्पून हींग और ग्रेटेड अदरक 1/2 इंच और जाएगी नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, और हमने लिया है अजवाइन जिसको हम क्रश करके डालेंगे 1/2 स्पून और हम यहाँ चिली फ्लेक्स लिए हैं। आप यहाँ मसाले में लाल मिर्च भी ले सकते हैं और हम यहाँ ग्रीन चिली स्किप कर रहे हैं, आप यहाँ ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं हम साबुत जीरा लिए हैं और थोड़ा सा हम 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला लिए हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसे एक टेस्ट आएगा। और हम 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल रहे हैं जिसे हम मंगरीला बोलते हैं और इंग्लिश में अनियन सीड्स बोलते हैं, राइट। चलिए, और थोड़ा सा हमने धनिया जो है लास्ट में डालेंगे ताकि इसका टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं गैस की तरफ। हम यहाँ कढ़ाई ले लिए हैं, कढ़ाई में हमने 1.5 कप पानी डाला है फिलहाल। अगर 1.5 कप पानी इसलिए कि चावल सूजी जो है हमारी पानी पीती है, चाहे तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं। 1 कप यानी सपोज 1 कप चावल है तो 2 कप पानी ले लीजिएगा। अगर बाद में पानी लगेगी ऊपर से भी डाल सकते हैं मिलाते समय, अगर आपको लगे कि चावल ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा और गर्म पानी कर सकते हैं। एक इसे बॉयल आने देते हैं, पानी हमारी गर्म हो चुकी है। अब इस स्टेज में हम अगर चावल का आटा डाल देंगे तो होगा क्या, ऊपर से सभी मसाले डालेंगे तो चावल का आटा जो है जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो सभी में मिक्स नहीं होगा, इसलिए सारे मसाले हम इसी वक्त डालेंगे। सबसे पहले हम ये जो मूली ग्रेट करके रखे हैं इसको हम डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम स्लो कर दें, देर जब मूली पक जाए मतलब 2-5 मिनट के लिए, तो सभी मसाले हम यहाँ पर डाल देते हैं
गैस की फ्लेम हमेशा स्लो रखें। नमक, कुटी लाल मिर्च, अजवाइन, इसको क्रश करते हुए, और चाय की यहीं पर हींग, और जाएगी कलौंजी, और जाएगी गरम मसाला। सभी को थोड़ी देर मिक्स कर लें। हम यहाँ डालेंगे सूजी। अब आप सूजी डाल लें तो आपके हाथ जो है चलनी चाहिए, और चावल का आटा जब हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम डालते जाएंगे और एक हाथ से मिलाते जाएंगे। डाल देंगे इस स्टेज में बेसन और अदरक बची हुई, सारे को डाल के एक मिक्स कर लेंगे। अब लगे, आपने देखा कि एक ही कप हमने चावल डाला तो ये टाइट होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि चावल का आटा पानी पिएगी, जरूरत पड़ेगी तभी डालिएगा, नहीं तो वरना गीला हो जाएगा तो फिर आपको मिक्स करने में दिक्कत होगी। अब इसी स्टेज में हम थोड़ी सी तेल डालेंगे। अगर आप पानी में ही डाल देंगे तो बेटर होगा आपको ये चीज़, क्योंकि ये ना कढ़ाई में जो है चिपक रही है, तेल डालेंगे तो चिपकेगी नहीं। चलिए लास्ट इंग्रेडिएंट अब टाइट हो गया। अब हम धनिया डाल देते हैं और गैस को करते हैं बंद। गैस हमारा बंद हो चुका, थोड़ी देरी से ठंडी होने दीजिए। जब ये ठंडी हो जाएगी ना थोड़ी सी और टाइट हो जाएगी। चलिए ये देखिए थोड़ी देर ठंडी हो जाए ये मिश्रण, तब आप क्या करें, जब आप इसे हाथ में टच करेंगे ना तो ये चिपकेगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अब थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और आप तेल लगे हाथों से इसे थोड़ी सी मिक्स कीजिए। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अगर मिक्स नहीं करेंगे तो ये गांठ गांठ हो जाएगी। वैसे बिल्कुल सॉफ्ट है, और लगे आपको कि आटा की ज़रूरत है तो आप यहाँ आटा डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा रिक्वायर लग रहा है, और क्योंकि हमने एक ही कप डेढ़ कप चावल लिए थे लेकिन एक कप ही लगा, तो हम थोड़ा सा यहाँ चावल का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज आप एक कप चावल का आटा और डेढ़ कप पानी जरूर लेंगे, ये रेशो परफेक्ट रहेगा आपका। चलिए पूड़ियाँ तो बिल चुकी है, अब आई उसके तलने की बारी। चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। तेल गर्म होना चाहिए बिल्कुल। पूड़ियाँ जब भी आप, कोई भी पूड़ी गर्म तेल में ही तला जाता है। अगर आपकी कम तेल गर्म होगी तो क्या होगा, फूलेगी भी नहीं और तेल ये पी जाएगा सारी पूड़ियाँ। एक बार चेक कर लेते हैं छोटी सी गोली डाल के, ताकि पता चल जाएगा कि तेल हमारा गर्म हो चुकी कि नहीं। चलिए तेल हमारा गर्म हो चुकी है, अब हम इस वक्त यहाँ पूड़ियाँ डाल देंगे। गैस की फ्लेम जब भी रखें तलते वक्त मीडियम टू हाई रखेंगे। चलिए एक एक पूड़ी डालते जाते हैं। चलिए जब वन साइड हो जाए तो इसे धीरे धीरे सावधानी पूर्वक इसे पलट दें। इसे क्रिस्पी गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा अब आपको लगेगा कि मूली पराठे हम घी में खाएंगे, तो क्या करना है आपको, इसको हमने तेल में डिबली पूड़ियाँ फ्राई कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको आप तवे पे कम घी में भी इसे सेक सकते हैं, जैसे मूली पराठा बनाते हैं ना उसी तरह। चलिए ये क्रिस्पी हो चुकी है, इसी तरह हम दूसरा भी डाल देते हैं। पहला था तो फूली नहीं, लेकिन दूसरा हम जब तले तो ये फूल चुकी है। इसका मतलब पहला जो है हमेशा कोई भी चीज़ पूड़ियाँ नहीं फूलती है, दूसरी बार परफेक्ट बनती है। चलिए ये देखिए कितना फूल गई है, इसे कुछ करना ही नहीं आपको, जब तलते वक्त आपको थोड़ा सा इसे तेल इस पर स्प्रेड करना है, अपने आप वो फूल जाएगी। सभी को इसी तरह हम तल लेते हैं। चलिए सभी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है, गर्मा गर्म ही इसे खाई जाती है। जितना आप खाएं उतना ही पूड़ियाँ बनाएं। और आइए जब ये पूड़ियाँ बनकर गर्मा गर्म तैयार हो गई है तो देर किसी बात की, हम चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। हमने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है, आप इसे दही अचार के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, डिपेंड करता है आप इसके साथ खाना पसंद करते हैं। और यकीन न मानिए कि बहुत टेस्टी है, करारी बनी है, और जीरा का जो हमने साबुत जीरा डाला है उसका फ्लेवर आ रहा है, बहुत टेस्टी बनी है। तो इसी तरह अब बनाना आसान हुआ, बिल्कुल कोई भी बना सकते हैं, हर कोई बना सकते हैं इसे। तो चलिए इसी तरह बनाइए और गर्मा गर्म इसे चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, और हाँ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।